ग्राम पहरुआ माल एवं रैयत 500 की 80 जनसंख्या है। वहाँ गौड़ आदिवासी लोग निवास करते हैं और यहाँ पर 28 आदमी की जमीन बांध में दबी है और 28 आदमी ने वहाँ जाकर तहसील कलेक्टर के पास गया, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं है। गांव के लोगों ने जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक काम बांध की बंद रहेगा। मैं सूरजिया और ये है मेरा समुदाय। कृषकों की जमीन में जो है बांध बना है उस पर विचार प्रतिदिन चल रहा है कि शासन जो हमें मुआवजा क्यों नहीं दिया जा रहा है, उनसे कई बार अपील किए, वहां जाके बोले, फिर भी नियम के तहत 9 सूत्र या 10 के नियम के तहत उसने बताया कि नहीं 10वां सूत्र की नियम के तहत मुआवजा दे दिया जाएगा। वायदा करते करते 2-4 माह 6 माह या 7 माह बीत गए। आज तक हम चाहते हैं कि जिन कृषकों का जमीन जो डूब क्षेत्र में फंसा है तो उनको शासन द्वारा मुआवजा क्यों नहीं दिया जाता। उनके जो अभी गेहूं और चना बोनी था हो रहा था उनको रोक करके और उनका जो है फसल नहीं उगाने दिया कि इसके फसल की मुआवजा हम देंगे और किसानों को भी जो गेहूं चना का बोनी होना था वो ठेकेदार ने रोक दिया। तो इसकी कार्रवाई कहां तक पहुंचाए? कलेक्टर के यहां भी आवेदन अपील किया और उचित शासन के निर्देश तहत कृषकों को सही मुआवजा दिया जाए, उसका शासन आज तक आँख खोल के नहीं देख रहा। इस प्रकार से हमारी क्षेत्रीय जनता जो है तड़प रहा है, शासन गरीब जनता को दोनों साइड से मार रहा है और इसकी सुनने वाला कोई नहीं है। मैं चाहती हूँ ग्राम पहरुआ माल एवं रैयत से के 28 किसानों की जमीन बांध में दबी है, उनको मुआवजा दिलाया जाए। मैं वीडियो देखने वाले श्रोताओं से अपील करती हूँ इस पते पर कॉल कर हमारी मदद करें। पता है श्री हरिदयाल बघेल, तहसीलदार शहपुरा, मोबाइल नंबर 98-93-57-83-33। मैं सूरजिया प्रस्ते, ग्राम पहरुआ, विकास खंड शहपुरा, जिला डिंडौरी, मध्य प्रदेश से, इंडिया अनहर्ट के लिए।